सो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज जो है रमज़ान का कोई 12वां रोज़ा है और जनाब तरावियां शरावियां पढ़ के नमाज पढ़ के अभी इस टाइम मैं आया हुआ हूँ जनाब पेट्रोल पंप पे, जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे। नहीं तो बाइक जो है ना वो मेरा इतना गंदा हुआ हुआ था ना, मैंने आके भाई से रिक्वेस्ट की है कि यार मेरा बाइक वॉश कर दो। आखिरी जाते जाते जो है ना ये मेरा बाइक ही वॉश हो रहा है, तो पीछे बाइक वॉश होता है और हम चल के करते हैं थोड़ी सी बातें आपके साथ कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरा कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ ये कैसा लग रहा है वो ज़रूर ज़्यादा बताइएगा। और वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार जाके चैनल को करो सब्सक्राइब, और यहां से करते हैं वीडियो को शुरू। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल जो है हमारा धुल रहा है रात के इस पहर, और पहर जो क्या है हमें नहीं पता क्योंकि आज भी हमने घड़ी नहीं पहनी। जनाब बाइक की नया करवा दी है इन्होंने शैम्पू लगा के, समझ रहे हो ना, स्माइल कर रहा है मेरा बाइक स्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बाइक हमारी धुल चुकी है, अब इसमें हमारी बूथी जो है वो नज़र आती है थोड़ी। अब जनाब रह गए थोड़े से काम शाम मेरे, वो चल के करते हैं और आपको साथ लेके पता नहीं मैं जाऊंगा या आज या नहीं, अगर मैं चला गया तो समझ लेना आपको साथ लेके गया हूँ, वरना फिर घर चल के आपसे मुलाकात होती है ना। अब ये देखें बाबा जी हैं, इन्होंने जो है ना सांप पकड़े हुए, तो दूर से देख के जो है ना मैं वापस मुड़ के आया हूँ, ये पता नहीं को असली सांप पकड़े खड़े हैं लेकिन जब मैं आया हूँ तो नकली थे। इनका इस टाइप का स्टॉल है और रोड साइड पे ये खड़े होके ना चीज़ें बेचने हैं बच्चों वाली, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए अगर कोई चीज़ है आपके पास तो वो मुझे दे दें। तो नहीं तो कहते हैं नहीं आपके लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर मैंने फिर यहीं पे जो है ना हाल चाल पूछ के बाबा जी का खुदा हाफिज़ कर दिया। ठीक है बाबा जी फिर अल्लाह हाफिज़। ओए होए होए जनाब जैसे कि आप देख रहे होंगे आते ही हमने मोटरसाइकिल के ऊपर कपड़ा जो है वो दे दिया है, क्योंकि यार अभी सर्विस करा के आई यार बाइक जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो जनाब अभी जब भी जनाब मैं घर आया हूँ और आते ही हमने बाइक के ऊपर कपड़ा दिया और साथ पेट पूजा भी हमने कर ली है। कंट्रोल। तो अभी अभी मैं आया हूँ छत पे जनाब थोड़ी सी वॉक करने, और साथ एज यूजुअल रोज की तरह आप लोगों से गप्पे लगाने, वो तो गप्पे शप्पे चलती रहती हैं। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे YouTube पे सजेस्ट करो कि मैं किस टाइप के वीडियोस बनाया करूं ताकि आप लोग इंजॉय करो, जिस तरह के सांस चढ़ गया बना रहा हूं क्या इसी टाइप के बनाता रहूं या कुछ चेंज करें। चेंज थोड़ी सी वॉक करके फिर नीचे जा के फिर आपसे मिलते हैं। चलो भाई नीचे चले, थक गए हैं यार। ओ नबी दे प्यारो सारी दा टाइम हो गया, उठ के रोजे रख लो। अरे भाई साहब बहुत खा लिया यार, सहरी जो है ना वो इतनी नहीं करनी चाहिए यार, नहीं करनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं यार? और पर मैंने जो है ना कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया, को इतना बड़ा टैंक पानी का आपके भाई की पाइट में है,
तो यहाँ आगे मैं इसलिए बैठ गया हूँ क्योंकि अजान होगी ना, तो अजान की आवाज़ जो है ना इधर बहुत अच्छी आती है, ऊंची ऊंची। ये अभी आपको होने वाली है, बस सुनाई देगी। तो भाई अजान हो रही है, हम आप जा रहे हैं वाजू करने, वाजू करके नमाज पढ़ के सो जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे कल। Six hours later. So guys, assalamualaikum and welcome back to our day vlog 2. मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है और कल के बाद मतलब अब उठाऊँ और सोता ही रहा और अभी हम लोग बैठ के देख रहे हैं जनाब। मैं नहीं बताऊँगा। अभी जनाब यहाँ पे चल रही है फिल्म जो कि हॉबिट है, तो फिल्म देखी जा रही है आज। और सच्ची वरक करने को कुछ दिल नहीं कर रहा, बोरिंग दिन गुजर रहा है। आज का पूरा दिन जो है वो बेड पे ही गुजर गया है। और अफ्तारी में जो है ना आज चीज़ें जो बन रही हैं वो देखते हैं चल के क्या बन रही हैं, मतलब बन गई हैं, बननी क्या। मैं तो बहुत लेट उठा हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी यार। आज हम ना अफ्तारी के अंदर हेल्दी चीज़ें खाएँगे, तो आज जो ना आप चिकन की टिक्कियाँ बनी हैं और साथ चने और बॉइल्ड राइस और थोड़ा सा सलाद। आज जो है ना मैंने हेल्दी खाने का सोचा यार, रोज़ फ्राई चीज़ें पकौड़े समोसे खा जो है ना मैं अक गया हूँ। मैं अरे कहना क्या चाहते हो? अक गया हूँ मैं। मैंने कहा आज जो है ना जरा हेल्दी कुछ दो खाने को, तो फिर जो है वही नॉर्मल जो खाना घर में चलता है ना वही खा रहे हैं यार। ये मुझे रूटीन समझ नहीं आती लोगों की, पूरा दिन भूखा रहते हैं और उसके बाद जनाब समोसे पकौड़े और ऑयली चीज़ें फ्राइड चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। और वैसे नॉर्मल डेज में भूखे रहते हैं तो जब खाना मिलता है तो क्या उसमें भी समोसे पकौड़े खाते हो या उसमें खाना घर का खाते हो? यार अजीब थिंकिंग है। मैंने कहा इस रवायात को बदलो, मुझे वही नॉर्मल खाना दो जो खाने में बनता है। तो अब आज हम वही खाना फिर जो है ना खाएँगे। चलो भाई खा लिया पेड़ जो है वो करके हो चुका है, अब चलते हैं नमाज पढ़ने, अजानें हो रही हैं। अभी लेट नहीं भाई यार। तो भाई लोग यार रोज़मर्रा की तरह फिर रात हो गई, वही दोबारा कपड़े पहन लिए। व्लॉग में यार पता चलना चाहिए ना कि एक ही व्लॉग चल रहा है यहाँ के, आप ये समझो यार ये कल का है, ये आज का है, ये कल का है, आज का है। मेरे व्लॉग वैसे भी जो है ना वो दो दिन पे जा रहे हैं, सहरी वाले। तो बाइक को कर लेते हैं जनाब स्टार्ट, बत्ती इसकी ऑन ही है। वो बंद करो हाथ जोड़ के मैं ये चीज निकलते हैं फिर भाई। तो जनाब अब हम लोग निकल आए हैं मोटरसाइकिल के ऊपर सफेद स्पीड, और अभी हम लोग जा रहे हैं जनाब अपने लिए नान छोले लेने, और पता नहीं अब उधर बैठ के खाते हैं या फिर लेके आते हैं, देखते हैं यार, फिर मिलते हैं आपसे। जनाब मैं रोड पे निकला ही हूँ तो पीटीआई का जो है वो जलसा हमारे चौक के ऊपर भी हो रहा है। सारी आवाम जो है ना वो तकरीबन ये यहाँ तक रोड है, और ये रोड मेन फ्लाईओवर का जो है ना वो रोड है। और जो भाई साहब जरा चेक करो यार, हमने अपने बाइक के ऊपर इतना कुछ लूद लिया है कि भाई जगह भी नहीं बची अब मोटरसाइकिल का हैंडल मोड़ने की। ये देखें चेक करें, अब ना हैंडल राइट मोड़ सकता है ना लेफ्ट, चीज़ें यहाँ यहाँ तक आई हुई हैं, क्लच भी नहीं दब सकता। दिस इज कॉल्ड स्टाइल, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तानी जुगाड़ जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यम्मी से जो चावल छोले हैं वो मैं ले आया हूँ अपने फेवरेट, और मैंने कहा आप आज आपके साथ हाँ थोड़े कच्चे हैं यार चावल, मैं सुन हम कह रहा हूँ तो बहुत मज़ा आया लेकिन उतना मज़ा नहीं आया।
मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ और आते ही मैं जो है ना ये खाने लग गया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ से फिर फ्री होकर ना आज थोड़ी देर तक फिर मिलते हैं आपसे। हाय, जो बंदा पहले से इतना थका पड़ा हो कि उसकी टांगों में जान भी ना हो और उसकी टांगें कांपे टांग रही हो, उसके लिए जो है वो छत पे आके वॉक करना कैसा होगा आप ज़रूर बताइएगा ये बारे में। इस बारे में यार इतना ज़्यादा अच्छा मौसम था और मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपको पीछे थोड़े से बादल बूदल दिखाता हूँ कितने को ज़बरदस्त आए हुए हैं बादल और मौसम जो है उतना ही ज़बरदस्त है। तो मैंने कहा यार चलो थोड़ी सी चल के वॉक कर ही लेते हैं। यार वॉक हमारी आज की वॉक रह गई है तो वह फिर हम आज वॉक करने आ गए हैं। तो गाइस मैं तो करता हूँ वॉक और आप जाके करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को और सारे आने वाले वीडियो को जनाब जाके शेयर करो। और यार कर दिया करो यार, कमाल है यार, कर दिया करो यार। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाओ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेहरबानी आप लोगों की, और इस वीडियो को शेयर करें। और मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।